राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और आज है दिन सोमवार, तो ये अभी सुबह की सृष्टि के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सब्ज़ी में मैंने भिंडी की सब्ज़ी छौंकी है आज, तो बस भिंडी की सब्ज़ी बना के इनका टिफ़िन लगा दूँगी। और ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये चाय ताजमहल की ही मंगाई है और ये काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको बताया भी था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, ये ख़त्म हो गई थी तो मैं भर के इसमें रख देती हूँ साथ के साथ। और मैंने अभी सुबह की चाय नहीं बनाई, बस सीधा मैं ना सब्ज़ी वगैरह ये तैयारी करने लगी इनके टिफ़िन की, तो चाय बस मैं चढ़ाने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, सुबह सुबह की चाय पीते हैं। और सुबह की चाय जब तक पी ना लो ना, तब तक ऐसा लगता है कि सुबह हुई नहीं है। मुझे तो जरा सी ही मिल जाए बस, मतलब एक वाकई में एक चाय का एक नशा सा ही हो जाता है ये। और सिस्टी स्कूल चली गई हैं, फिर इसके बाद मैंने ये सारा काम निपटाया, किचन का भी थोड़ा बहुत, और आटा लगा के रख दिया है। तो बस बस मैंने सीधा झाड़ू उठा ली, मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद नहा के मैं रोटी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे ये मैंने कहा इनसे कि थोड़ा थोड़ा, मतलब ये ख़त्म वो पौधों में ना काफ़ी दिन से मैंने खाद नहीं डाली थी, और तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ी एक एक मिट्टी आप डाल दो खाद, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों नहा के मैं पूजा मैंने कर ली है, तो बस मैंने रोटी भी सेंक ली थी और सीधा मैं किचन में आ गई। और मैंने कहा ना मुझे सुबह बहुत जल्दी रहती है, काम इतने रहते हैं, तो बस मैं चलिए इनको नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि ये भी नहा के रेडी हो चुके हैं। तो नाश्ता में आज भिंडी की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, बस रोटी है और लस्सी मैंने बना ली है। तो चलिए आ जाइए, अब मैं भी कर लेती हूँ, मैंने अपनी भी थाली लगा ली है। तैयार हो रहा है, चलिए चलते हैं। ये मनी प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। और आज मैंने ये इस तरीके से लगा दिया। हाँ, प्यू भी रेडी हो गई। बोलो प्यू, बोलो हेलो हेलो हेलो। चलो आ जाओ, सज रहा है कितनो। को आज ये लिखवाया गया है और बच्चों का लंच हो गया है, तो सारे बच्चे लंच कर रहे हैं और फिर वो झूला करने चली गई है। मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये फिर मुझे देख के ना बहुत वो करेगी। और आप देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ है और काफ़ी पुराना है, तो मैं इसी के नीचे बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हेलो, और मैं आ गई स्कूल से, पीयू को भी ले आई और बहुत गर्मी है। बस अब मैं ना लंच में, आज मैं पोछा लगा के नहीं गई थी, तो देखो 3 बजे तक आराम से खाना आना बना के फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और सुबह मैंने भिंडी बनाई थी, तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई है, तो मैं सोची थोड़ी सी दाल और चावल डाल लेती हूँ। और अभी तो मैं ये थोड़ी सी आइसक्रीम खा रही हूँ, गर्मी बहुत है, तो आ जाइए आप लोग भी आइसक्रीम खाते हैं। इधर पीयू को भी मैंने थोड़ी सी दे दी, ये भी मांग रही थी, तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं। चावल मैंने यहाँ चढ़ा दिए, दाल चढ़ा दी है, थोड़ा सा ये प्याज कट करके रख लिया, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना बिना प्याज का खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। इसमें बढ़िया से खूब मैं नींबू डालूंगी
और ये मैंने सुबह सब्जी ली थी, ये करेले कुछ लिए मैंने, देसी हैं तो मैंने ले लिए, मैंने कहा भर के बनाऊंगी इनको। और ये पुदीना लिया मैंने, इसको मैं सोच रही धो के इसी दलिया में ऐसे फैला के रख दूंगी तो ये सूख जाएगा, फिर ये रायता वगैरह में डालने को सही रहता है, ऐसे ना यूज़ नहीं हो पाता पूरा, कुछ काला पड़ जाता है इसलिए मैं चलो ये रख देती हूँ। तो दाल चावल बन गए हैं तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, और पीहू निकल गई है ऊपर, पता नहीं है, ये देखिए मैंने धो के रख दिया पुदीना, पुदीना धोला और रखा, पीहू निकल गई है ऊपर, तो चलिए मैं चाबी और उठा लेती हूँ। अच्छा चाबी मेरे बैग में ही पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 3 बजने वाला है, पैसे ले लिए मैंने, कुछ सामान लेना है, अभी तो 2:30 बजा है। एक जीरा का पैकेट और एक मेथी का और हींग, पता मैं जीरा दे दो, हींग की डिब्बी दे देना कोई अच्छी सी, पचास वाली दे दो। तो खाना मैंने लगा लिया है, आज है अरहर की दाल चावल और भिंडी की सब्जी, तो आ जाइए आप लोग भी करते हैं लंच। और सिस्टी पीयू को भी मैंने लगा के दे दिया, और ये प्याज और खीरा भी मैंने काटा है साथ में, तो बस चलिए लंच करते हैं, और इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, अगर ब्लॉग पसंद आया हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। राधे राधे दोस्तों, और आप सभी कैसे हो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है मंगलवार का, तो बस सुबह वो नाश्ता वगैरह सिस्टी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने झाड़ू उठाई, तो बस मैं इस वाले कमरे में झाड़ू लगाने आ गई, तो मैंने ये कवर्ड खोल दिया, तो पीहू ने काफ़ी गंद मचा रखी थी, मैंने कहा लाओ साथ के साथ इसको कर ही देती हूँ साहब, तो बस अब चल के झाड़ू लगाऊँगी मैं सारे घर की, और बस इसके बाद सीधा मैं स्कूल की तैयारी जाने की करूंगी, क्योंकि स्कूल ले जाना है पीयू को। स्नाने के बाद सीधा मैं किचन में ही आ गई, क्योंकि आज ना आलू के पराठे बनाए थे, तो फिर आलू के पराठे मैंने सेके नहीं सुबह, क्योंकि ठंडे बना के रख दो फिर वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो बस ये पूजा कर रहे हैं नहा के, क्योंकि आज है दिन मंगलवार, तो ये मंगलवार को पूजा करते हैं। और मैंने मतलब बर्तन वगैरह धो के दे दिए, और मैंने मंदिर में पोछा वगैरह लगा दिया, तो बस मैंने कहा मैं जाके पराठा बना लेती हूँ, तो आप पूजा कर लो, मंगलवार को ये करते हैं, तो बस मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, तो आ जाइए आप लोग भी आलू के पराठे, और साथ में मैं लस्सी भी बनाऊँगी। सीधा नहा के सीधा ही किचन में आ गई, मैं तैयार भी नहीं हुई, मैंने कहा चलो पहले अभी नाश्ता वगैरह, क्योंकि पराठे बनाने थे, फिर मैंने कहा लाओ बना के रख देती हूँ। और ये देखिए सूखा वो सूख गया है पुदीना, तो बस इसको मतलब मुझे वो मैस करके रखना है, तो बस किसी दिन मैं टाइम निकाल के इसको करूँगी, और अभी तो मैंने हल्का थोड़ा सा निकाल के और क्रश करके डाल दिया, पुदीना और जीरा डाला है,
और सुबह सुबह लस्सी वगैरह पी लो तो सही रहता है दिन भर के लिए। मतलब सुबह की थोड़ी चाय ले लेती हूँ मैं, उसके बाद तो मैं लस्सी लेती हूँ। दिन भर में मैं शायद ही हूँ एक कप पूरी चाय पीती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं लेती हूँ। और आप सभी से भी कहूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, चाय कम और ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, जैसे लस्सी है, नींबू पानी है, और बहुत सारी है, अपना कुछ बना लो, जलजीरा है, जीरा वगैरह जैसे मर्जी, बहुत सारी है, शेक बना लो, जैसे बनाना शेक है, पपीता शेक है, इस तरीके, ताकि हमें एनर्जी भी रहे शरीर में और हम मतलब गर्मी से बच सकें। चाय तो मतलब सही नहीं रहती है, गर्मियों में चाय नहीं सही रहती है, सर्दियों में फिर भी एक बार चाय सही रहती है, लेकिन गर्मियों में तो लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें हमें पीना चाहिए। तो चलिए, नाश्ता मैंने लगा लिया है, बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी है और आलू के पराठे, तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता करते हैं। और मैं नाश्ता करने के बाद तैयार होंगी, और पीहू को भी करना है तैयार। और ये पीहू की थाली रखी हुई है, और जब तक मैं नहीं कहूँगी इसको या मैं इसके पास नहीं बैठूँगी तो ये करती नहीं है नाश्ता, मुझे ही कहना पड़ता है नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, तब जाके ये कहीं धक्का मार रही है, एक तरीके से धक्का मारते रहो तो चलती रहेगी, और ना बोलो तो नहीं मतलब मस्त रहती है कि मतलब जाना है स्कूल नहीं जाना है, मैं बोलूँगी तब इसको रहता है कि मुझे स्कूल जाना है, नहीं तो ये मतलब बड़ी अपना आराम से, इनको नहीं रहती चिंता कि मुझे स्कूल जाना है, फटाफट नाश्ता करना है, ये इतना एक्साइट नहीं रहती स्कूल के लिए, बट मैं इसको मारती रहती हूँ धक्का कि चलो जल्दी करो जल्दी करो। और अभी मैंने दो बार ये देखो मतलब स्कूल जाना है और ड्राइंग बना रही थी ये बैठ के अंदर, तो मैंने अभी आवाज़ें लगाई इसको तो तब आई है ये अंदर से। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद पीहू को तैयार करके मैं स्कूल ले जाऊंगी, और आप सभी से स्कूल में ही जल्दी हो आराम, जल्दी हो आराम, हुआ बोला बतला।
दोस्तों, और मैं आज आ गई घर पीहू को लेके। टाइम हो गया, 1 बज गया। ये देखिए 1 बज गया। तो और बस मैंने आके 1 गिलास पानी पिया, नींबू डाल के आधा, और क्योंकि थकान बहुत लग रही थी। और ये पीहू को मैं पूरी बोतल भर के ले जाती हूँ पानी की, और इसमें मैं आधा नींबू डाल देती हूँ। तो इससे इनको ना पूरा दिन बढ़िया रहता है, क्योंकि ये ना बहुत खेलती कूदती बहुत है, यहाँ से वहाँ फिर जाएंगी कहीं कुछ कुछ, मतलब दौड़ती भागती रहती है और धूप में भी घूमती हैं, तो सही रहता है। अपना आधा नींबू डाल देती हूँ, खेलती कूदती रहती हैं। तो चलिए, अब देखो क्या बनाऊंगी। अब ये दोपहर का तुरई लेके रख गई थी मैं, क्योंकि दाल मैंने कल बनाई थी, अब दाल आज खाने का मन नहीं है। तो मैं सोच रही कि तोरी की सब्जी बना लेती हूँ, तोरी की सब्जी और रोटी, सिंपल। चलिए मैं इंतजाम करती हूँ लंच का। बस अब तो ये लग रहा, सो जाओ, कुछ मत करो, सो जाओ। चलिए मैं बनाती हूँ। हाथ वगैरह मैंने धो लिए। राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और टाइम हो गया आरती का, तो बस दोपहर में बस मैंने वही तोरी उरी की सब्जी बनाई, फिर खाया पिया और बस अपना रेस्ट किया। तो मैं जब स्कूल से वापस लौट रही थी ना, तो ये ख़त्म हो गई थी ये बत्तियाँ, तो मैंने सोचा चलो ले लूँ रास्ते में, तो फिर मैंने ये ले ली। और मैंने ना ये बड़ाई वाला पैकेट ले लिया, ये इस टाइप में है, ये इसमें 60 रुपए का है ये, और इसमें पता नहीं कितनी बताई थी उसने, कितनी है बत्ती, उससे जो छोटे छोटे आते हैं ना उससे थोड़ा सा इसमें बता रहे थे वो अंकल जी थे कि इसमें थोड़ा सा फ़ायदा है मतलब। तो मैंने कहा चलो ले लूँ, लेनी तो रहती हैं, फिर वो फिर 2-4 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाती, फिर लानी पड़ती, तो इसमें फिर ये मैंने ले लिया था। चलिए मैं इनको ना खोल के इस डिब्बे में भरती हूँ, तो फिर आरती करती हूँ। और मैंने खोल दिया पैकेट, तो मैं ना इतना ही खोलूँगी इसको, हाफ, क्योंकि पूरी तो ये भर नहीं जाएंगी, हाफ भरेंगी, तो बाकी का मैं इसी में करके और इसमें रख दूंगी। सॉफ्ट है, हाँ, जैसे वो वाली ना टाइट सी होती हैं, तो खींचने में थोड़ी ये इसको ना सॉफ्ट है, ठीक मिल गया। इसमें दीपक लगा देती हूँ। हनुमान जी को मैंने ना लंबी बत्ती लगा दी है, और यहाँ पे मैंने ये गोल बत्ती लगा दी, तो बत्ती मुझे बहुत सही लगी, काफ़ी बढ़िया जल रही, देखो। चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ सब्जी में, प्याज है ये, और प्याज की सब्जी नहीं,
प्याज और शिमला मिर्च मैंने ये काट के रख ली है। तो मैंने मंगवाया था इनसे पनीर, तो बस मैं बनाऊंगी ऐसी थोड़ा सा मसाले वाला पनीर। तो चलिए बनाते हैं। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए, जैसे ये बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, और चलिए अब मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज और ये फ्राई हो गया, फ्राई हो गया ये देखिए। तो अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। तो मसाले में मिर्च, मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इतनी डालूंगी। और ये है धनिया, धनिया ख़त्म हो रही, और हल्दी, बस ये चीज़ें हैं। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। टमाटर भी काट के रख लिए। तो चलिए मसाला, थोड़ा इसमें नमक और डालूंगी मैं। तो गाइज इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूंगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। आ जाइए दोस्तों, डिनर तैयार है। और अगर ये झटपट सा पनीर पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करके जाना।